स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 3 हो और कॉट टी डी टी हो तो हमारे पास क्या होगा। जब मैंने इंटीग्रेशन का ये चैप्टर्स आपको स्टार्ट करवाया था तो मैंने एक वीडियो में इसके सारे के सारे फॉर्मूलाज की इंटीग्रेशन आपके साथ डिस्कस की थी कि कौन सी टर्म आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो वही वाले फॉर्मूलाज और टर्म्स को यूज़ करके आज हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। जिस तरह डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इसी तरह इंटीग्रेशन में कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होगी, फंक्शन है कॉस टी और साथ में जो टी है इसका डेरिवेटिव डी टी है हमारे पास, तो हमारे पास कॉस टी की इंटीग्रेशन आ जाती है साइन टी और अपर लिमिट पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री और लोअर हमारे पास जो है पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, वेरिएबल के अंदर अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस, उसके बाद वेरिएबल के अंदर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। साइन 60 डिग्री पे पाई बाय 3 पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आंसर देता है, माइनस साइन हमारे पास पाई बाय 6 पे हमें 1/2 आंसर देता है। ये रेडियन के अंदर अगर मैं इसे डिग्री में देखूँ तो ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें, 2 नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3-1 ही आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर फिर वही टर्म आपके पास होगी कि एक फंक्शन है उसकी पावर है साथ में उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है या नहीं है। अब देखिए दो टर्म्स दी हुई हैं, अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा किसको हमने ऐसे फंक्शन देखना है, जिसकी पावर दी जाएगी उसको हम ऐसे फंक्शन देखेंगे। अब यहाँ पे x प्लस 1/x है, उसकी पावर 1/2 है, 1-1/x² dx। पहले हम रफली चेक करते हैं जो अंदर चीज़ है इसको ऐसे फंक्शन लेके, क्या इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। अगर इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हुआ तो फिर हम वो पावर रूल लगा सकते हैं। इस वाली चीज़ को फंक्शन लेना है क्योंकि पावर के अंदर है, तो हमने हेयर कह दिया f(x) (x+1)x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये f'(x) आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1। ये बेसिकली 1/x का मतलब है एक्स की पावर माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 1 है तो पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम। तो पावर नीचे पावर में से एक कम किया, प्लस माइनस माइनस, ऊपर -2 है, नीचे जाके +2 हो जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव है 1-1/x² और साथ में dx आना है। अब देखें बेसिकली ये वही वाली टर्म है जो ऊपर हमारे पास मौजूद है, फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव है। तो अगर फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव और फंक्शन की पावर दी जाए तो हम पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल इंटीग्रेशन का ये कहता है कि पावर में एक ऐड कर देना है और उसी से हमने डिवाइड कर देना है। तो हमने पावर में 1 ऐड कर दिया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया और साथ में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसका एलसीएम ले लें, 1/2 + 1 हमारे पास 3/2 होता है, जब हाफ में 1 ऐड करते हैं 3/2 आपके पास आ जाता है, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। डिवीजन की डिवीजन में चीज़ आ रही है तो फिर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉन्स्टेंट अलग कर लिया, वेरिएबल में आपने लिमिट पुट करनी है, वेरिएबल में जब आपने लिमिट पुट करनी है पहले आपने एक्स की जगह 2 पुट करना है, माइनस फिर आपने एक्स की जगह 1 पुट करना है। पहले हम 2 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर लिमिट पुट कर दी 2, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट हमने पुट कर दी 1। 2 + 1/2 का एलसीएम लें, 5/2 आ जाएगा, ये 1 + 1 हमारे पास 2 होता है। अब 5 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, अब देखिए 3/2 होता है 1.5, यानी एक दफ़ा कंप्लीट के साथ आएगा, एक दफ़ा हाफ के साथ आएगा। कंप्लीट 1 होगी तो 5 पावर 1 और हाफ का मतलब 1/2। इसी तरह ये 3/2 होता है 1.5, तो 1 अलग आ गई 2 की पावर 1 और हाफ के लिए 1/2 के लिए स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये टर्म होगी, आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2s are 4, 4 2s are 8 आ जाएगा आपके पास, ओवर जो नीचे टर्म आ रही वही आ जाएगी, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11-12 को सुनिए, समझिए। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।